हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृतास कुक बुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत ही यमी, क्रिस्पी और चीज़ी। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। जब भी कुछ टेस्टी और गर्मा गर्म स्नैक खाने का मन करे, आप ये फटाफट से बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए आइए बनाते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम थोड़ा सा भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 कप पानी। आप कोई भी कप ले सकते हैं। बस इसे बॉईल होने दें। इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा और फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आटे ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। फ्लेम लो ही रखें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। चावल के आटे के लिए और पानी के लिए मैंने सेम 1 ही कप यूज़ किया है। आप कोई भी मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है और स्वाद अनुसार नमक। अब इन दोनों को अच्छे से कंबाइन कर लेना है हमें। एक डो बना लेना है सॉफ्ट सा, ये देखिए। और अब थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर डालते हुए हम इसे और अच्छे से गूंद लेंगे। कुछ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यूज होगा इसमें। कॉर्नफ्लावर से ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए, मेरा डो रेडी है। और लास्ट में 1 टीस्पून ऑयल लगा दे डो में ताकि ये सूखे नहीं। अब हम सबसे पहले चीज क्यूब को कट कर लेंगे। इसे 3 या 4 क्यूब्स में कट कर लें और छोटी छोटी, और थोड़ा सा लेमन साइज का पोर्शन लेंगे। उसे रोल करके इस तरह बॉल बना लें और फ्लैट करके बीच में यूं चीज क्यूब रखकर यूं फोल्ड करके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। ये देखिए, हमारा पोटैटो चीज बॉल रेडी है। इसी तरह हम सारे चीज़ बॉल्स अपने रेडी कर लेंगे। बीच में अगर आपको आटा थोड़ा सा सूखा लगे तो आप थोड़ा सा हल्के पानी वाले हाथ से उसे कंबाइन कर लें। ये देखिए, मेरे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गरम तेल में हम इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में इन्हें धीरे धीरे हिलाते रहें ताकि ये इवनली गोल्डन ब्राउन हो सब तरफ से। आप इस डो से छोटे छोटे बॉल्स विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। ये देखिए, हमारे चीज़ बॉल्स रेडी हैं। बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह हम अपने सारे चीज़ बॉल्स फ्राई करके रेडी कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे टमाटो सॉस के साथ। और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।